guys, assalamu alaikum, sasrikaal, I hope aap sahi bahut achhe hoge, hum bhi bahut achhe hain, main Hurania, main hu Rohan, aur aap dekh rahe hain Hindustani Couple Reaction, to hum aa gaye aapke liye ek new video lekar, is video ka title hai Top 8 Miracles of Allah in the World, Allah को चैलेंज करने का अंजाम। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Yes, guys, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखते हैं कि कैसे हमारे क्रिएटर को ही चैलेंज कर रहे हैं, उसके बाद उसका अंजाम देखेंगे। तो वीडियो में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है, आप लोग वीडियो में आ जाते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो, इससे हमें जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखना है, शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। के दौरान अचानक से एक बादल का यूं सूरज के सामने आ जाना कोई मामूली बात नहीं है, और सहरा में जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान भी नजर नहीं आता, वहां अचानक से लाखों की तादाद में जिंदा मछलियों का निकल आना, ये बात साइंस की समझ में भी नहीं आ रही। और दोस्तों, एक गैर मुस्लिम लड़की ने जब अल्लाह को चैलेंज किया तो अल्लाह ने उसे अपनी कुदरत का कैसा करिश्मा दिखाया, ये सब कुछ आप मेरी आज की वीडियो में जानेंगे, जिसमे मैं आपको अल्लाह की कुदरत के 8 ऐसे करिश्मे दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देख कर गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की जात के होने पर यकीन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये वाकया उस वक्त का है जब खाना काबा में तवाफ करते हुए लोगों पर सूरज की रोशनी कहर की तरह बरस रही थी, और शदीद गर्मी की वजह से इन लोगों को तवाफ करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अल्लाह जो कि हमारे दिलों के हाल खूब जानता है, वो भला कैसे अपने घर में आए मेहमानों पर कोई परेशानी आने दे सकता था। तो दोस्तों, ये मंजर देखकर अल्लाह की रहमत जलाल में आ गई, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे हरम शरीफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। दरअसल यहाँ अचानक से आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ और सूरज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूरज से आने वाली रोशनी और तपस्या बादल अपने अंदर जज़ब करने लगता है, जिससे खाना काबा में मौजूद लोगों की सारी परेशानी हल हो जाती है, और अपने रब का ऐसा करिश्मा देखकर लोगों को अल्लाह के होने का यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है, और वो समझ जाते हैं कि हाँ, वाकई अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हाल खूब जानता है, और अल्लाह हमारी शारग से भी ज्यादा करीब है। और ये मंजर देखने के बाद पूरे हरम शरीफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। नंबर 2, दोस्तों अब मैं आपको अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर गैर मुस्लिम भी अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि साइंस भी इसे समझने से कासिर है। सहरा में जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान भी नजर नहीं आता, वहां अल्लाह का ये करिश्मा देखा गया कि अचानक जमीन में से लाखों की तादाद में जिंदा मछलियाँ निकल कर बाहर आ गयी, जिसे देख कर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो साइंस की बोलती बंद हो गई और कोई भी इसके पीछे का राज नहीं बता सका। चूंकि ये अल्लाह का एक अनमोल करिश्मा है, इसलिए साइंस इसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखकर अपने रब की बड़ाई बयान करना मत भूले। दोस्तों, इस वीडियो में ये ईसाई लड़की अल्लाह को चैलेंज कर रही थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने ईसाई लड़की की आंखें खोलकर रख दी। दरअसल इस वीडियो में एक ईसाई लड़की गाड़ी में सफर करते हुए मोबाइल फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये लड़की खूब मौज मस्ती में थी और इसी दौरान ये खिड़की से बाहर मुंह निकालकर अल्लाह को चैलेंज करती है कि वाकई अगर अल्लाह मौजूद है तो मुझे अपनी कोई निशानी दिखाए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ, अल्लाह मौजूद है। दोस्तों, फिर अचानक अल्लाह का करना ऐसा होता है कि आसमान पर कड़कती हुई बिजली नमूदार होती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही इस लड़की के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसका मुँह और आँखें खुली रह जाती हैं और इसके होशो हवास उड़ जाते हैं। इत्तफाक से ये सारा मंजर इसी लड़की के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कि मैं भी अल्लाह को चैलेंज करूंगा तो अल्लाह मुझे भी अपनी कोई निशानी दिखाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह पर ये लाजिम नहीं कि वो हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करे, और हम मुसलमान तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा ईमान है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला और दोनों जहानों का मालिक, खालिक, राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। नंबर 4, दोस्तों हाल ही में खाना काबा से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान हैरानों परेशान रह गए।
दरअसल तवाफ के दौरान अचानक खाना काबा से तलावत की आवाज आना शुरू हो गई। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरानों परेशान और बकायदा खौफजदा थे। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की बातें कही। कुछ ने कहा कि ये उमरा करने आए जिन्नात के काफिले की नमाज अदा करने की आवाज है और कुछ ने कहा कि ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 5। दोस्तों, खराब मौसम के दौरान जब आसमानी बिजली कड़कती है तो वो एक स्पेसिफिक शेप में नजर आती है। बाज़ोकात ये बिजली आसमान पर ऐसे शानदार तरीके से रोनमा होती है जिसे देखने में ये कोई फायरवर्क्स की तरह लगती है, मगर अभी मैं आपको आसमानी बिजली के कड़कने की एक खूबसूरत वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा रिकॉर्ड हुआ है जो कि काफिरों और गैर मुस्लिमों के लिए अल्लाह की बड़ाई और मौजूदगी की एक निशानी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आसमान पर बिजली के साथ अल्लाह लिखे जाने का ये मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसे देखने वाला हर कोई सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 6। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बिल्ली का खाना किताब के ऊपर घुमाता है तो बिल्ली उस किताब के ऊपर चढ़ जाती है, मगर जब ये शख्स कुरान पाक रख कर ऐसा करता है तो बिल्ली कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती। इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि इंसान तो अपने रब को भूल सकता है, वो गुमराह हो सकता है, मगर जानवर कभी गुमराह नहीं होता। वो अच्छे से जानता है कि इस किताब के अंदर उसका कलाम है जिसने इस कायनात की हर एक चीज को पैदा फरमाया। नंबर 7। दोस्तों, सऊदी अरब में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो में आप अल्लाह ताला के एक और खूबसूरत करिश्मा देख सकते हैं। दरअसल यहां आसमान पर कुछ बादल मिलकर मदीना मनवरा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे देखने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और हर कोई इस खूबसूरत मंजर को देखकर सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहना शुरू हो जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शक्ल में आसमान पर ये बादल आपको कैसे लगे। नंबर 8। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह एक और वीडियो में आसमान पर बादलों ने अल्लाह लिखा हुआ है जो कि वाकई अल्लाह का एक शानदार करिश्मा है और ये मंजर भी सऊदी अरब में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। मेरे को जो बिल्ली वाला लगा ना, देखिए आप दूसरी बुक में थी, नॉर्मल बुक में वो ऊपर आया नहीं, ठीक है, वो बिल्ली। और जब जब कुरान शरीफ लेके आए तो उसके ऊपर वो आई नहीं रहता, मतलब कुछ तो ऐसे चीजें हैं। और सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, पता है मैंने ऐसे 2-3 वीडियोस देखी हो बिल्ली की कि वो नहीं आती उसके ऊपर, कुरान शरीफ के ऊपर क्या है, मतलब वो ये सोचने वाली बात है ना कि इंसान जो कि इन्होंने बोला कि इंसान भले अपने क्रिएटर को भूल सकता है लेकिन जो जानवर है वो नहीं कभी भूल सकते, उनको पता है सारी चीजें। और वो जो मदीना का वो सेम बना था गुंबद वाला, वो रियली पूरा सेम बना था ना एकदम। मैं कल हमने कम्युनिटी पोस्ट में आज ही डाले हैं शायद, ठीक है, वो फोटो तो मेरे को वही याद आ गया एकदम से। और बिजली वाली जो, हाँ, जो लड़की ने जो बोला टारगेट, मतलब डायरेक्ट चैलेंज किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए आप उसके साथ, वो वाली भी। और जो बिजली से जो मतलब अल्लाह लिखा, अल्ला था, लिखा था, वो वाली चीज सबसे बेस्ट लगी। बिल्कुल सेम लिखा हुआ था जैसे कि अल्लाह लिखा जाता है अरबी में, पूरा सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ था। बहुत गजब का मिलकर था गाइस। तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।